वन मंथ के लिए आप एक एयर टाइट जार में उनको रख सकते। सालन पे भी मूड ना हो तो आप थोड़ी सी मसाले वाली मिर्ची निकालें और आप उससे रोटी खा लें तो क्या ही बातें, मजा आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रूना। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं मसाला मिर्च, जो कि बहुत मजे की बनती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। मसाला मिर्च बनाएं और तकरीबन वन मंथ के लिए आप एक एयर टाइट जार में उनको रख सकते हैं फ्रिज में, और बहुत ही मज़े की बनती है। जब कुछ पकावा ना हो, सालन पे भी मूड ना हो, तो आप थोड़ी सी मसाले वाली मिर्ची निकालें और आप उससे रोटी खा लें तो क्या ही बातें, मज़ा आ जाता है। तो मसाला मिर्च बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले एक पाव हमने हरी मिर्च ले ली है, जिसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है, और वॉश करके हम उसको इस तरह कट कर लेंगे, वो दो पीस में हो जाएंगी। सारी हरी मिर्च हमने इस तरह कट करके रख ली हैं। अब एक कढ़ाई में हम तकरीबन हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे, मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हरी मिर्च को फ्राई करेंगे। 5 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून हल्दी, 3 टेबल स्पून ज़ीरा धरधरा कुटा हुआ, 1/2 टेबल स्पून लहसुन और नमक आप अपने जायके मुताबिक ये सब इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने लहसुन ऐड किया है, 1.5 से 2 मिनट के बाद ये सारे मसाले इसमें ऐड किए हैं हमने। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती हैं, इनमें कोई तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लग जाते हैं कि तैयार हो जाती है। और जी, अब इसमें 1/2 कप इमली का रस ऐड किया है, मिक्स करेंगे अच्छी तरह हम। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 पिंच तकरीबन टाटरी, जिसको कहा जाता है जी, बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट से इसमें जो जायका होता है वो ऐड करेंगे। अब इसमें 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम इसमें पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो जी देखिएगा, अगर अभी भी नमी हो तो आप फ्लेम को हाई करके इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लें। तो मसाला मिर्च हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही लजीज, बहुत ही जायके से भरपूर होते हैं, पूरे घर में महक इनकी खुशबू फैल जाती है। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? मसाला मिर्च जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।